Welcome to lecture 2 of this course, Econometrics, a Practical Approach. Our research question is, class size कम करने से क्या टेस्ट स्कोर इंक्रीज हो जाएगा? क्या अगर हम क्लास साइज को वन स्टूडेंट कम कर देते हैं तो क्या टेस्ट स्कोर बच्चों का कितना बढ़ जाएगा? यहां पे जो बात हो रही है वो बच्चों के टेस्ट स्कोर की बात हो रही है, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर, ताकि अदर कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो कि बाद में बातें होंगी उसको कंट्रोल किया जाए। अब हम इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इकोनोमेट्रिक टूल्स पढ़ेंगे, ना कि इकोनोमेट्रिक टूल्स पढ़ेंगे और उस पर हम कुछ चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी वाले लेक्चर में, कुछ और लेक्चर्स में, पहले मैं बेसिक्स तो मुझे बतानी होंगी, बट प्लीज कीप इन माइंड कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, नॉन लीनियर रिग्रेशन इन वेरिएबल्स में चेंज नहीं होने जा रहा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें हम समझेंगे कि हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर एस्टिमेटर क्या होता है, सैम्पलिंग रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कैसे हम ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर इस कॉन्सेप्ट को मैं कंप्यूटर के थ्रू एक्सेल को यूज करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली सब लोगों को आइडिया है, बट इन प्रैक्टिस व्हाट्स दिस कॉन्सेप्ट बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास जो है वो। इसके एजम्पशंस क्या हैं? तीन मेन एजम्पशंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर एक और ऐड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आएगी। ओएलएस एस्टिमेटर्स, यानी कि वो जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम सैंपल एस्टिमेटर्स से रिप्लेस करेंगे, तो उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसका क्या कनेक्शन है विद आवर इन्फ्रेंस। तो ये वो चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन वीडियोस में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो है लीनियर रिग्रेशन है क्या। तो बुनियादी तौर पे लीनियर रिग्रेशन जो है आप स्लोप एस्टिमेट करते हैं, और स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब यह है कि ओवरऑल वाई में कितनी चेंज आएगी अगर एक्स में यूनिट चेंज कर दें, या आप राइज ओवर रन की बात कर लेते हैं कि कितना राइज होगा फॉर ए गिवन रन इन एक्स। इंटरसेप्ट क्या होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए भी थोड़ी देर आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में या वीडियो नंबर 2 में जाके हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक चीज है स्लोप आपने फाइंड आउट कर दिया, लेकिन क्या यूनिट चेंज इन एक्स लीड्स टू हाउ मच चेंज इन वाई, इज दिस रिलेशनशिप कॉजल और नॉट? ये बात डिफरेंट है देन जस्ट एस्टिमेटिंग स्लोप। स्लोप एक चीज है, बट स्लोप वेरिएबल्स अगर कोरिलेटेड हुए, एसोसिएटेड हुए और उनके दरमियान कोई भी कॉजल इफेक्ट ना हुआ तो भी स्लोप एग्जिस्ट कर सकता है। बट कॉजल इफेक्ट ऑन वाई ऑफ ए यूनिट चेंज इन एक्स है या नहीं है? वेट टिल वी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारी जो प्रोसीजर होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर की, लेक्चर 1 की वीडियो नंबर 2 में देखा था कि हमने सैंपल मीन्स एस्टीमेट किए थे फॉर टू ग्रुप्स, तो वो हमारी एस्टीमेशन होगी, तो स्लोप की भी एस्टीमेशन होगी सैंपल डेटा से। होगी कैसे? ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर के थ्रू होगी। ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर क्या चीज है? मैंने जैसे कहा कि मैं इसको एम्पिरिकली आपके सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैथमेटिकल डेरिवेशंस आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि जी आप मिनिमाइज करते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ
एरर्स को, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स को। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, विल सी। जब आपके पास वो स्लोप एस्टीमेट हो जाएगा तो अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या वो स्लोप जीरो है या डिफरेंट देन जीरो है। मींस कि एक्स का इफेक्ट ऑन एक्स का जो वाकई कोई इफेक्ट है ऑन वाई इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स और नॉट, तो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। तो वो स्लोप आपका कितना ऑन एंड ऑफ हो सकता है क्योंकि वो एक गेस है, तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे। दिस इज आवर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल, टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू बेटा नॉट प्लस बेटा वन स्टूडेंट टीचर रेशियो इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, आई विल मेनली नेम इट एज क्लास साइज। बुनियादी तौर पे हमें स्टडी ये करना है बीटा वन क्या चीज है, कि चेंज इन टेस्ट स्कोर ड्यू टू चेंज इन क्लास साइज। बीटा नॉट बीटा वन पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स अननोन होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स अननोन होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन अननोन होती है, और अगर पॉपुलेशन नोन हो तो फिर ये सारी की सारी इन चीजों की कि ये एस्टिमेट है, ये टेस्टिंग है, ये किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। तो आज के बाद से आप ये समझ लें कि हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम सैंपल डेटा की बात कर रहे होंगे, और सैंपल डेटा की बेस पे बीटा नॉट बीटा वन इनको गेस कर रहे होंगे। उस गेस को जो फार्मूला यूज करके करते हैं तो एस्टिमेट्स कह देते हैं। तो हमें इसको डेटा को यूज करते हो, अब डेटा पॉपुलेशन का अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम हमेशा इसके लिए इसको जो इनके जो गेस होंगे जो इनकी पैरामीटर्स के लिए सैंपल की मेजर्स यूज होती हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोल देते हैं। अब देखिए आपके पास मेनी अदर फैक्टर्स होंगे जो कि टेस्ट स्कोर को अफेक्ट करते होंगे, तो उसको हम यू आई, दीज आर कॉल्ड एरर्स। एरर्स क्या होते हैं, आगे चल के एक वर्ड हम यूज करेंगे रेजिजुअल्स। तो रेजिजुअल्स और एरर में फर्क होता है, वो थोड़ी सी देर बाद, वही फर्क है जो कि पैरामीटर और स्टेटिस्टिक में होता है। एरर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एरर सिर्फ आपके बैक ऑफ माइंड में एग्जिस्ट करता है। जो कुछ आपको सैंपल से मिलता है वो रेजिजुअल्स होते हैं। रेजिजुअल्स की रेजिजुअल स्टैंडर्ड ओएलएस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ये हमेशा क्वेश्चन होता है। फाइन, आई जो है ये सबस्क्रिप्ट है कि अगर हमने लेट से 50 स्टूडेंट से डेटा ले लिया तो ये आई 1 से लेके 50 तक होगा। अगर हमने 16,000 हाउसहोल्ड्स का डेटा ले लिया तो आई विल वेरी फ्रॉम 1 टू 16,000। तो ये आई जो है ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है कि आपका सैंपल साइज कितना है, आपका डेटा कितना है। तो बुनियादी तौर पे जैसे कह रहा हूं कि यू आई जो है ये आपके एरर्स हैं, जो ओमिटेड फैक्टर्स हैं जिनका एज सच कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है वाई आई पे, अगर वो होगा तो विल सी। ओके, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में जब आपके पास ये जो डॉट्स हैं ये ऑब्जर्व्ड डेटा है, और इस पे आप अस्यूम ये करते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आप कोई वर्टिकल वैल्यू वाई वैल्यूज की एवरेज ले लेते हैं ऐसे करके, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, तो हर वैल्यू के अगेंस्ट अगर आप एवरेज लें तो बेसिकली दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एवरेज रिग्रेशन लाइन बन जाती है। तो ये जो लाइन होती है ये बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स है। अब नेचुरली ये लाइन हर पॉइंट को टच नहीं कर सकती अंटिल एंड अनलेस आप बहुत हाई डिग्री पॉलिनोमियल फिट कर लें। तो हम इस वक्त सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल, तो आउटकम वेरिएबल हमेशा एक होगा, एक्स वेरिएबल्स बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये जो एक्स वन एक्स टू ये आपको नजर आ रहे हैं ये वेरिएबल्स नहीं है, ये उस ऑब्जर्वेशन नंबर वन है, ये ऑब्जर्वेशन नंबर टू है। तो अब इस लाइन के ये जो एवरेज लाइन फिट होगी
जो कि एज क्लोज पॉसिबल एज इन पॉइंट्स की होगी, जितनी की बेस्ट हम कर सकते हैं। तो इस लाइन और ये वाई हैट या वाई एवरेज लाइन जो है, इनके दरमियान जो गैप आता है, दीज आर कॉल्ड एरर्स, दीज आर कॉल्ड एरर्स U1, U2, और अगर ये सैंपल डेटा की बेस पे होंगे तो दीज आर कॉल्ड रेजिजुअल्स। अब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, बुनियादी तौर पे M जो है ये बेसिकली वही फिटेड लाइन है। अगर तो आपको मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीन्स करना था तो yi माइनस y बार होता है, तो ये यहां पे मीन है, मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स। बट यहां पे m जो है y का जो एवरेज लाइन है वो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बीटा नॉट फाइंड आउट करते हैं, बीटा वन फाइंड आउट करते हैं। बट आई एल शो यू मैथमेटिकली, यू ऑलरेडी नो इट, आई एल शो यू यूजिंग डेटा कि हम बीटा नॉट और बीटा वन की बहुत सारी वैल्यूज पिक करेंगे और सिस्टम से कहेंगे या थोड़ी सी खुद डिमॉन्स्ट्रेट चेंज करके कि जी ये आपके पास मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स का कॉन्सेप्ट है क्या। तो उसके लिए आप जो इस लेक्चर से रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगी उनको आपने देखना है। वेल, ये मैं अभी इस लेक्चर की वीडियो वन की लास्ट स्लाइड डिस्कस कर रहा हूं ताकि बहुत लेंथी नहीं हो जाए। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन जो है, अभी हमने बात की कि बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि टेस्ट स्कोर में अगर वन पॉइंट की या टू क्लास स्टूडेंट्स की या थ्री की चेंज की जाए क्लास साइज में, तो उससे टेस्ट स्कोर पे कितना इम्पैक्ट आता है। ये कैसे स्टडी करना है हम वो ही बात है, वील फिट अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, और वो लीनियर रिग्रेशन लाइन कैसे फिट करते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। मैथमेटिकली हमें पता है कि हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू जो है बी नॉट, फिर बी वन, और फिर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए तो बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये बीटा वन हैट आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, और यहां पे आपके पास एस एक्स वाई इसको कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, और बीटा नॉट हैट आ जाता है वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार। तो ये मैथमेटिकली वी नो कि दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ ड्राइविंग FOC और फिर 2OC की बेस पे हमें आइडिया हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बेस पे ये हम ड्राइव कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इक्वल टू जीरो, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो है वो लेस देन जीरो होगी, तो हम कहेंगे ये वो चीज वो पॉइंट्स हैं जहां पे मिनिमाइज हो जाएंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। फिटेड लाइन जो होगी वो आपके पास वाई हैट बीटा नॉट हैट, हैट क्यों लगा देते हैं क्योंकि ये गेस है पॉपुलेशन पैरामीटर का, ये गेस है पॉपुलेशन पैरामीटर का, और यू आई क्या है रेजिजुअल्स हैं क्योंकि अब ये आप सैंपल से ले रहे हैं, यू आई एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल चीज थी, दीज आर कॉल्ड रेजिजुअल्स, और ये रेजिजुअल्स वैसे ही होते हैं जैसे पैरामीटर के लिए स्टेटिस्टिक होती है सैंपल से, तो इसी तरह से एरर के अगेंस्ट हम जो सैंपल से जो चीज हमें मिलती है वो रेजिजुअल्स मिलते हैं। रेजिजुअल्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, एरर्स एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एरर्स हमेशा आपकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो जितनी आपकी जो बाद में हेट्रोस्कोडास्टिसिटी ऑटो कोरिलेशन हेट्रोस्कोडास्टिक ऑटो कोरिलेशन दोनों की दोनों पैनल डेटा में, तो ये सारी वो चीजें हैं जो रेजिजुअल्स से लिंक्ड हैं। तो प्लीज वेट, मैं इस पे अपनी वीडियो नंबर 2 अपलोड करूंगा रिलेटेड टू दिस लेक्चर 2।